नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश मंशरमानी। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, को-फाउंडर तजुर्बा, एक सर्टिफाइड बिजनेस कोच हूँ। मैंने अपने 40 साल के करियर में बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश किए, बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया। एक बहुत सक्सेसफुल आईपीओ 1995 में आज 300 करोड़ से ओवर सब्सक्राइब हुआ, प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला। तो आज हम बात करेंगे कि अमेजॉन कब तक घाटा खाएगा, कब तक ऐसे पैसे लुटाते रहेंगे। ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा और बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये कैसा बिजनेस मॉडल है, ये लोग हर साल इस तरह की कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हजारों करोड़ के घाटा कैसे करती हैं और क्यों करती हैं, ये क्या बिजनेस मॉडल है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और ये घाटा कब तक खा सकते हैं, कब तक पैसे लुटा सकते हैं। तो आइए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे क्या एक सॉलिड, एक मजबूत बिजनेस मॉडल है इन कंपनीज का। अमेज़न ने अगर बात करें तो अब तक 7000 करोड़ का घाटा इंडिया में वो कर चुके हैं। 4400 करोड़ अमेरिका से पेरेंट कंपनी से, जो amazon.com है, वहां से फंडिंग 2019 में इंडिया आई है। और टोटल जो इसके फाउंडर है जेफ बेजोस, उनका कमिटमेंट है कि इंडिया में मैं $5 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा अमेज़न में, जो कि तकरीबन 35000 करोड़ होता है। लेकिन हालात को देखते हुए लगता है उनको ये रकम कुछ बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और घाटा खाना पड़ेगा जब वो प्रॉफिटेबल हो। आइए बात करते हैं कि amazon.com अमेरिका में कितने साल में प्रॉफिटेबल हुआ था। तो दोस्तों, amazon.com अमेरिका में 7 साल लगे थे उनको पहला प्रॉफिट, एक छोटा सा $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद दूसरे साल में 35 मिलियन का हुआ। तो जो जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ये एक बहुत विजनरी किस्म के आदमी हैं, बहुत दूर की सोचते हैं ये। तो इनका शुरू से विजन था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, एक सिस्टम बनाएं, वेयर हाउसेस बनाएं, टेक्नोलॉजी में लगाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अमेज़न वेब सर्विसेज से आता है, AWS, जहाँ पे दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं। तो इस तरह की उन्होंने बहुत कुछ एप्लीकेशन, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट बहुत किया, बिलियंस ऑफ डॉलर किया शुरू में। तो उसके चलते अब अमेज़न का कोई 2019 का अगर हम बात करें, प्रॉफिट होएगा कोई 8-10 हज़ार करोड़ अमेरिका में एक क्वार्टर का। तो साल का लगाए तो अब 30-40 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट अमेज़न करती होगी। तो वहाँ पर उनको 7 साल लगे और आज कई साल हो गए उनको अमेरिका में, कोई 20 साल हो गए होंगे, ऑलरेडी 20 साल से ऊपर हो गए। तो अमेज़न बहुत प्रॉफिटेबल है अमेरिका में, लेकिन इंडिया और कुछ नई नई जगहों में वो जो नए स्टैब्लिश कर रहे हैं कंपनीज को, वहाँ पर अभी भी घाटा खा रहे हैं। तो जो कुछ उन्होंने अमेरिका में किया वही वो यहाँ पर और दूसरे उन मुल्कों में जहाँ पर ये शुरू में नुकसान कर रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं, उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं उसी मॉडल को, क्योंकि ये लोग शुरू में बहुत सारा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में करते हैं। आज अमेज़न के कोई 18 से ऊपर वेयर हाउसेज इंडिया में हैं और बड़े हाईटेक वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब जो शुरू में है ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग जाता है, उससे ऐसा लगता है कि कंपनी घाटे में है। और शुरू में ये लोग काफ़ी कुछ डिस्काउंट देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक अमेज़न की सर्विसेज की आदत पड़ जाए। जैसे आपने देखा होगा उबर आया पिछले दिनों, तो शुरू में बहुत सस्ते प्राइस थे और ड्राइवर्स को बहुत सारा इंसेंटिव था, ड्राइवर्स कोई 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा रहे थे। लेकिन जब हमें उबर की आदत पड़ गई, हमें अपनी गाड़ियाँ और ड्राइवर्स की आदत नहीं रही, तो उबर ने अपने प्राइसेस भी बढ़ाने शुरू कर दिए और ड्राइवर्स के इंसेंटिव भी घटाने शुरू कर दिए। तो उबर भी थोड़े टाइम में ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो सिमिलरली अमेज़न भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि डिस्काउंटिंग कम करता जा रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट की शिपिंग लेने लग गया है। शुरू में ये लोग फ्री शिपिंग थी, अभी सिर्फ अमेज़न प्राइम पे फ्री शिपिंग है, लेकिन उसके लिए आप कुछ पैसे उनको अपफ्रंट देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए उनके पास आते हैं। तो इन सब के चलते ये धीरे धीरे डिस्काउंट को कम करेंगे जब हमें आदत पड़ जाएगी और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस इनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बंद हो जाएंगे, तब ये लोग अपने प्राइसेस को नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर शुरू कर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेज और टेक्नोलॉजी का खर्चा तब काफ़ी
कम हो चुका होगा तो उस समय में आप देखेंगे कि अमेज़न बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और मजे की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में ई कॉमर्स सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं वो 5% भी 2,00,000 करोड़ का इस टाइम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी का बिजनेस जब ऑनलाइन आएगा, और आने ही वाला है, क्योंकि आज हम सब के पास स्मार्टफोन है और हम सब स्मार्टफोन से एक ई कॉमर्स के जरिए हमें शॉपिंग की आदत पड़ गई। आज क्रिसमस है, मैंने अपना केक भी, मैं मार्केट नहीं गया, वॉक करके मेरे घर के सामने मार्केट है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, 2 घंटे में अमेज़न से मेरे पास ग्रोसरी से डिलीवरी भी आ गई। तो ये जब मॉडल आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके कैसे प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि शुरू में इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने घाटा करने के। आम बिजनेस के पास तो ये पैसा होता नहीं है, अगर 1-2 साल आम छोटा बिजनेस घाटा करता है तो बंद हो जाता है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के बिजनेसेस में दोस्तों ये पहले शुरू में 1-2 साल में कुछ इन्वेस्टर्स से फंडिंग लाते हैं, कुछ करोड़ कुछ मिलियन डॉलर इन्वेस्टर्स के आते हैं, और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ दिखाते हैं और काफ़ी तेजी के साथ इनका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते जाते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है जब ये अपना पब्लिक इश्यू लाते हैं। तो आईपीओ आया अमेज़न का 2001 में, आप इंडिया में भी देखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़न का इंडिया में भी आईपीओ आएगा हो सकता है, तो वहाँ पर बहुत सारा पब्लिक का फिर हजारों करोड़ आ जाता है। इससे कुछ साल तक घाटों को सस्टेन कर पाते जो एक आम बिजनेस नहीं कर पाता, और फिर ये कोई 7 से 8 साल में बहुत जोरदार प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो इससे लर्निंग ये आती है कि छोटे बिजनेस को, SME को इस मॉडल को नहीं फॉलो करना चाहिए, उनको ट्रेडिशनल मॉडल के एंड ऑफ द डे आपको कितने पैसे बचे, आपने चीज़ कितने में खरीदी, कितने में बेची आपको, या कितने में बनाई, कितने में बेची, बीच का आपका प्रॉफिट कितना, उस प्रॉफिट को ध्यान में रखना चाहिए। अनलेस आपका स्टार्टअप है, आपको VCs की फंडिंग मिली हुई है, आपके दिमाग में IPO का विजन है, और आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ सकता है, इस स्पीड से बढ़ सकता है जैसे अमेज़न बढ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अगर उस तरह का आपका बिजनेस मॉडल है तो आपको इमीडिएटली फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस फंडिंग से आपको इस तरीके के घाटे खाना आसान हो जाता है। और 5 से 6 साल में जब आपका IPO आता है, एक और पुश आता है फंडिंग का बिजनेस में, और बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगता है और फिर प्रॉफिटेबल हो जाता है 7 से 8 साल में।